नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पीएचपी में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है और फंक्शंस यूज करने के क्या क्या फायदे हैं, इस तरह की सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं। पीएचपी फंक्शंस के लिए बहुत ही स्ट्रांग लैंग्वेज है। इसमें करीब करीब 1000 से ज्यादा इनबिल्ट फंक्शंस हैं। इसके अलावा हम लोग भी अपने फंक्शंस बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अपने फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग अभी देखेंगे उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस जब भी यूज होता है तो ये पेज लोड होते ही एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये जब तब एग्जीक्यूट होता है जब हम इसे कॉल करते हैं। और फंक्शन का नाम केस सेंसिटिव नहीं होता है। और कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन, अगर हम लोग डिफाइन करते हैं कोई फंक्शन, तो वो कीवर्ड फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है फंक्शन, उसके बाद हमें लिखना होता है फंक्शन नेम। ये लिख दिया हमने फंक्शन नेम, उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो कोड लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट कराना है। इसको कॉल करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे लिखना होता है फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम लिखते हैं जो नाम से हम डिफाइन करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसे इस तरह से हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। तो चलिए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले और उसको कॉल करके देखते हैं। मान लीजिए हमें पूरा एक सम का फंक्शन बनाना है, एडिशन का सम का। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन ले लेते हैं सम, उसका नाम दे देते हैं सम, और उसके अंदर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले इको, यहाँ पर लिखते हैं दिस फंक्शन इज, दिस फंक्शन विल बी यूज्ड फॉर एडिशन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको कॉल करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सम यानी फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा करके सेमीकोलन लगा देते हैं और ये कॉल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया दिस फंक्शन विल बी यूज फॉर एडिशन। ठीक है, एक ब्रेक लगा लेता हूँ वहां पे, यहाँ पे एक ब्रेक लगा लेते हैं पहले से इस तरह से, क्योंकि वहां पे वो ठीक से आ नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक लगा लेते हैं बी आर, ठीक है इस तरह। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा नीचे आ जाएगा तो दिखेगा आपको, ये आ गया दिस फंक्शन विल बी यूज फॉर एडिशन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए ये आ गया दिस फंक्शन विल बी यूज फॉर एडिशन। ठीक है, ब्राउजर को रिफ्रेश करने के बाद अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब मान लीजिए इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें आर्गुमेंट पास किया जाता है। तो मान लीजिए हमें कोई आर्गुमेंट पास करना है, कोई वैल्यू पास करनी है इस फंक्शन में और उसको यहाँ पे यूज करना है। तो उसके लिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं आर्गुमेंट डॉलर नंबर वन ले लेते हैं मान लीजिए, और इसको हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर नंबर वन। ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब इसमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी पास करनी है तो यहाँ जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं वहाँ पे उसकी वैल्यू देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दे दी 30। ठीक है, तो इस समय डॉलर नंबर वन की वैल्यू हो गई 30, क्योंकि ये यहाँ पे हमने वैल्यू इसकी 30 पास की। तो ये देखते हैं ब्राउजर में वो 30 प्रिंट करता है कि नहीं। ये हमने यहाँ पे कर दिया, ये देखिए इसने वैल्यू उसकी 30 प्रिंट कर दी। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे वैल्यू 30 आ गई। तो इस तरह से हम लोग उसकी वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग 40 कर देते हैं तो ये वहाँ पे 40 प्रिंट कर देगा। ये देखिए हमने इसको सेव कर लिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 40। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वेरिएबल लेकर के उसमें उसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं और इस तरह से हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक से ज्यादा करनी है तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और दूसरा वेरिएबल मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं नंबर टू, या आर्गुमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे, और उस तरह से यहाँ पर भी उसको वैल्यू पास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कर ले लिया हमने 50। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट करानी है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक ब्रेक स्टेटमेंट इको, यहाँ पे ले लिया हमने बी आर, ये बी आर ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक टैग ले लिया हमने एचटीएमएल का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इको डॉलर नंबर टू। ठीक है, अब देखिए नंबर वन और नंबर टू को दोनों को प्रिंट कर देगा। ब्राउजर में चल के देखते हैं, ये देखिए इसने 40 और ये 50, ये दोनों इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से डॉलर नंबर दो, अब इससे ज़्यादा लेना हो तो यहाँ पर कॉमा लेकर के आप इससे ज़्यादा अभी आर्गूमेंट यहाँ पर ले सकते हैं, उसमें वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कोई वैल्यू रिटर्न करानी है तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको नाम देते हैं ऐड, और उसके बाद दोनों नंबरों को हम लोग ऐड करते हैं डॉलर
नंबर वन प्लस डॉलर नंबर टू, इस तरह से हम दोनों को ऐड कर देते हैं और इसकी वैल्यू रिटर्न कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आर ई टी यू आर एंड रिटर्न, और यहाँ पर लिख देते हैं डॉलर ऐड, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से रिटर्न करा दी। अब रिटर्न तो करा दी, पर देखिए अब यहाँ पे ये प्रिंट नहीं करेगा, ये सिर्फ इसी को प्रिंट करेगा क्योंकि ये को, और लेकिन इसको प्रिंट नहीं करेगा यहाँ पर। तो ये देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको कर दिया, देखिए रिफ्रेश किया तब भी ये 40-50 ही आ रहा है, यहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमने इसको इको नहीं कराया, यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को इको कराना पड़ेगा। इको करा देंगे, अब देखिए वो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इसके पहले हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, इको यहाँ पर हम लोग ब्रेक ले लेते हैं वी आर, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा, अनएक्सपेक्टेड हाँ ये देखिए हमने सेमी कॉलर नहीं लगाया था इसलिए वहाँ पर एरर आ गया। तो अभी हम देखते हैं इसको, प्रिंट करते हैं फिर से, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसने यहाँ पर वैल्यू कर दी 90 वैल्यू वहाँ पर उसने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे इको नहीं लगाते हैं, इको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं इको, ब्रेक, ठीक है। तो अब वो उसको वहाँ पे प्रिंट करेगा क्योंकि उसके अंदर कर रहे हैं, ये देखिए इसकी वैल्यू 90 इसने प्रिंट कर दी, ठीक है। इस तरह से हम लोग वैल्यू वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं किसी भी फंक्शंस के लिए। यहाँ पे जैसे वैल्यू हमने यहाँ पे इसकी रिटर्न कर ली, यहाँ पे रिटर्न ऐड किया, ऐड पहले दो नंबरों को ऐड किया, फिर उसकी वैल्यू हमने यहाँ से इस फंक्शन से रिटर्न की, जिसको कि हम लोग यहाँ पर फंक्शन को कॉल करके यहाँ पर उसको हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई हमें डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करानी हो, उस केस में हम क्या करेंगे? मान लीजिए कोई वैल्यू है डिफॉल्ट है, मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करना है उसके, मान लीजिए कोई वैल्यू हम यहाँ पे पास नहीं करते तब भी कोई वैल्यू वो प्रिंट करे, तो उसके लिए क्या करेंगे? मान लीजिए तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल लिया है डॉलर नंबर वन, और इसको मान लीजिए वेरिएबल दे देते, इसकी वैल्यू यहाँ पे देते हैं 50। अब ये इसके डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर हम लोग कोई वेरिएबल पास नहीं करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, कोई वेरिएबल हम यहाँ पे पास नहीं करते हैं यहाँ से जो हम लोग फंक्शन के कॉल करते समय, तो ये इसकी वैल्यू डिफॉल्ट 50 यहाँ पर प्रिंट कर देगा। देखिए हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसने डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 50 यहाँ पर प्रिंट कर दी। लेकिन अगर हम लोग कोई वेरिएबल पास करते थे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 20 पास किया, इसकी वैल्यू यहाँ पर 20 पास कर दी इस फंक्शन के उसमें आर्गूमेंट के लिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको रिफ्रेश करके ब्राउजर में कि अब क्या आता है। ये हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये देखिए इसकी वैल्यू 20 हो गई। तो यानी कि अगर हम लोग कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं, जब तक हम लोग इसके लिए कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं फंक्शन कॉल करते समय, तब तक इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 50 रहेगी, लेकिन जैसे ही कोई वैल्यू हम लोग यहाँ पर पास करते हैं उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और जो वैल्यू हम लोग पास करते हैं वो हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग पीएचपी में फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और फंक्शन को यूज़ कर करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर और इसको अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो को लेकर के मैं फिर जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।